फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पांडे जी क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 जो अभी हुआ है तो उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। जो कट ऑफ है ये कोई ऑफिशियली निकाला नहीं गया है, इस बार जो है आपका निकाला गया है। हम जो है अपने से ऑफिशियली कट ऑफ नहीं बता रहे हैं, सीधे सीधे के तौर पर इस तरीके की कट ऑफ बता रहे हैं जो कि पेपर को देख करके अंदाज़ा एक लगाया जा सकता है। तो इस बार जनरल ओबीसी एससी एसटी सभी के बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम यूपी पॉलिटेक्निक के जनरल स्टूडेंट का कट ऑफ इस बार क्या रहेगा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। यदि आप एक गवर्नमेंट कॉलेज में दोस्तों एडमिशन लेना चाहते हैं तो जैसा कि आपने देखा है कि इस बार पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा कठिन था, बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर का लेवल था दोस्तों। तो मैं सबसे पहली बात तो ये बता दूँ कि जो फिजिक्स का सेक्शन था उसमें तो न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा थे। इसमें दोस्तों इस बार जो है गवर्नमेंट कॉलेज में उन्हीं स्टूडेंट का ज़्यादातर एडमिशन हो पाएगा जिन्होंने गलती नहीं की है। सबसे पहली बात तो है कि गलती की, यदि जो भी स्टूडेंट गलत क्वेश्चन करेगा उसका वो गलत क्वेश्चन तो जाएगा ही, साथ ही साथ एक नंबर उसके माइनस मार्किंग में भी चले जाएंगे। तो यदि कोई भी स्टूडेंट यदि वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है और उसका यदि नंबर दोस्तों 180 प्लस है तब तो वो बढ़िया कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। लेकिन यदि वो टॉप के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है तो अभी भी दोस्तों टॉप के कॉलेज के लिए कंपटीशन ज़्यादा है। टॉप का कॉलेज आप तब भी ले सकते हैं दोस्तों जब आपका मैथ और केमिस्ट्री एटलीस्ट आपका बढ़िया हुआ होगा, क्योंकि फिजिक्स का पोर्शन में न्यूमेरिकल तो ज़्यादा थे तो वहाँ से बहुत ज़्यादा हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं नंबर गेन करने का। नंबर जो गेन करने का उम्मीद है वो आपका मैथ्स और इससे ही लगाया जा सकता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 180 और यदि टॉप कॉलेज में एडमिशन पाना चाहते हैं तो 200 या फिर 210, 220, 230 लाएंगे तो इस बार आपका जो है जनरल स्टूडेंट का कट ऑफ इतना ही जाएगा। आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए दोस्तों 160, 150 पर भी आपका हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये डिपेंड करेगा दोस्तों कि कैटेगरी वाइज रैंक और ओपन रैंक कितनी है। थोड़ी देर में आपका 10 दिन या 15 दिन के बाद आपका रिलीज़ होगा, एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू आपका रिलीज़ होगा कि आपकी ओपन रैंक कितनी है और आपकी कैटेगरी रैंक कितनी है। जैसे ही ओपन रैंक और कैटेगरी रैंक आएगा आपको हम कम्प्लीट बता देंगे। अब बात करते हैं हम ओबीसी के स्टूडेंट का। यूपी पॉलिटेक्निक में ऐसे स्टूडेंट जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है वो रहने वाला है 160 से लेकर के 180 तक के बीच में, यदि वो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। यानी कि 160 से 180 के बीच में उनका कट ऑफ रहेगा इस बार ओबीसी के स्टूडेंट का। और ये जो है बहुत ही मतलब लगभग हम एक्यूरेट तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना यदि नंबर ला देते हैं ओबीसी के स्टूडेंट तो उनका सिलेक्शन इस बार गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं पेपर का लेवल कठिन था तो इतना नंबर भी 160 है, 170 नंबर भी दोस्तों आपका तभी आएगा जब आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। जितना आपका ना क्वेश्चन किया है उतना क्वेश्चन यदि आपने सही किया है दोस्तों तो ऐसे में जरूर आपका जो है नंबर बढ़िया आएगा। सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल ट्रेड लेने के लिए किसी भी कॉलेज में, यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज में लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ओबीसी से हैं तो 170-175 के पास आपका नंबर रहना चाहिए। और यदि आप बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अब तक आपका 200 से ज़्यादा रहना चाहिए, और वो यदि गवर्नमेंट कॉलेज है तब जाकर के 200 से अधिक नंबर पर टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज में आप का एडमिशन हो सकता है। लेकिन जैसे ही प्रोविजनल रिजल्ट और कैटेगरी वाइज रैंक आपका आएगा तो मैं आपको बहुत ही जल्दी वीडियो बना के बता दूंगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं यूपी पॉलिटेक्निक एससी एसटी स्टूडेंट का इस बार कट ऑफ क्या रहने वाला है। एससी एसटी स्टूडेंट के लिए दोस्तों इस बार कट ऑफ जो रहने वाले वो 130-140 जाएगा। लेकिन आपको बता दें ये जो कट ऑफ है ये हम ऑफिशियल तौर पे नहीं बता रहे हैं, ये वही कट ऑफ है दोस्तों जो कि आपके पेपर के लेवल को देख करके लगाया जा सकता है। ध्यान रहे दोस्तों कि इस बार जो पहले स्पॉट काउंसलिंग होती थी तो उसमें सभी का हो जाता था, मतलब कि लास्ट में जितनी सीटें जिस भी कॉलेज में बची रहती थी उसी कॉलेज में उतनी सीटें भरने के लिए आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू जो आपका लास्ट में काउंसलिंग होती थी वो होती थी आपकी स्पॉट काउंसलिंग, और उसके थ्रू दोस्तों हम लोग एडमिशन लेते थे। लेकिन इस बार स्पॉट काउंसलिंग की व्यवस्था भी ऑनलाइन की गई है, तो ऐसे में क्या व्यवस्था रहने वाली है आपकी स्पॉट काउंसलिंग की वो भी हम बहुत जल्दी बताएंगे। इंतजार करिए तब तक के प्रोविजनल रिजल्ट का, और उसके बाद 7 दिन के बाद जब ओरिजिनल रिजल्ट आएगा तब का। प्रोविजनल रिजल्ट में यदि आपका नंबर कम है दोस्तों तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, और आपका ओरिजिनल रिजल्ट में अच्छा नंबर शो हो जाएगा नया नंबर यदि आपका कंप्लेन सही रहा तो। इस तरीके से दोस्तों ये आपका ऑफिशियल कट ऑफ रहा है। धन्यवाद।